सुलेमान की सूक्तियाँ। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। प्रभु धार्मिक मनुष्य को भूखा नहीं रहने देता, किंतु पापियों की लालसा की पूर्ति में बाधा डालता है। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता वो बुद्धिमान है। जो फसल के समय सोता रहता वो घृणित है। धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। धार्मिक मनुष्य का स्मरण मंगलकारी है, किंतु विधर्मी का नाम मिट जाएगा। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं का पालन करता है, किंतु बकवादी मूर्ख का विनाश होता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो सुरक्षित है, किंतु जो टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है वो दंड पाएगा। जो आँख मारता है वो दुख का कारण बनता है और बकवादी मूर्ख नष्ट होता है। सद्धर्मी का मुख जीवन का स्रोत है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। बैर झगड़े को बढ़ावा देता है, किंतु प्रेम सभी पाप ढांक देता है। बुद्धिमान के शब्दों में प्रज्ञा का निवास है, किंतु लोग मूर्ख की पीठ पर लाठी मारते हैं। बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है। मूर्ख का बकवाद उसके विनाश का कारण बनता है। धनी की संपत्ति उसके लिए किलाबंद नगर है। कंगाल की गरीबी उसकी विपत्ति का कारण है। धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। जो अनुशासन में रहता वो जीवन की ओर आगे बढ़ता है, किंतु जो चेतावनी की अपेक्षा करता वो पथ भ्रष्ट होता है। जो अपना बैर छिपाता वो कपटपूर्ण बातें करता है। जो झूठा आरोप लगाता वो निरा मूर्ख है। जो बहुत अधिक बोलता वो पाप से नहीं बचता, किंतु जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वो बुद्धिमान है। धर्मी की जिह्वा शुद्ध चांदी है, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं। धर्मी की बातों से बहुतों को लाभ होता है, किंतु मूर्ख अपने अविवेक के कारण नष्ट होते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। मूर्ख पाप कर्म में, किंतु बुद्धिमान प्रज्ञा में रस लेता है। दुर्जन जिस बात से डरता वो उसके सिर पड़ती है, किंतु धर्मियों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भवंडर पापी को उड़ा ले जाता है, किंतु धर्मी सदा दृढ़ बना रहता है। आलसी अपने को कार्य सौंपने वालों के लिए वैसा है जैसा सिरका दांतों के लिए और धुआं आंखों के लिए। प्रभु पर श्रद्धा आयु बढ़ाती है, किंतु दुष्टों के वर्ष घटाए जाते हैं। धर्मियों का भविष्य आनंदमय है, किंतु दुष्टों की आशा व्यर्थ हो जाती है। प्रभु का मार्ग धर्मी का गढ़ है, किंतु वो कुकर्मियों का विनाश करता है। धर्मी कभी विचलित नहीं होगा, किंतु विधर्मी देश में निवास नहीं करेंगे। धर्मी के मुख से प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं, किंतु कपटी जीवा काट दी जाएगी। धर्मी के होंठ प्रिय बातें करते हैं, किंतु दुष्ट के मुख से कुटिल बातें निकलती हैं।